तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आर के क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से 125 तक। 125 तक तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है साइन 44 डिग्री अपॉन कॉस 46 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री। देखो इनकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट रख देंगे सीधी सीधी वैल्यू, लेकिन इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। देखो जब साइन और कॉस ऊपर नीचे आ जाएं और इन दोनों का सम 180 और 90 डिग्री हो रहा हो, इन दोनों का सम क्या हो रहा है? 90 हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो जब इन दोनों का सम 90 हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इस पूरे की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। डायरेक्ट वैल्यू 1 रख दी मैंने। यहाँ पे क्या दे रखा है ये साइन चेक कर लेते हैं एक बार, कभी गलती हो जाए। प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस ही लगाया हमने। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ मैंने 1 रख दिया। इंटरचेंज करेंगे ना, पता है आप लोगों को क्यों? इसको मैं कॉस बना सकता हूँ कॉस 46, कॉस 46 से कॉस 46 कट जाएगा, या फिर इसको साइन 44 बना सकता हूँ साइन 44 से साइन 44 कट जाएगा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और उसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है। माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और उसका स्क्वायर। प्लस sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? sec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2। अब इसको 1 + 3/4 माइनस 1/2 + 2। अब एलसीएम ले लो, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। इन दोनों को सॉल्व करो, एलसीएम आ गया 4। 3 - 2 के टेबल में का 2 1 = 2, 3 - 2 1, 3 + 1/4, 4 3 = 12, और 1 13/4। 13/4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 102। 102 क्या कह रहा है? टेन फोर थीटा। अब इस टेन फोर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 40 डिग्री - 2 थीटा, ये दे रखा है हमें। तो टेन फोर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉट 90 - थीटा, कॉट 90 - 4 थीटा, ये लिख सकता हूँ। इज इक्वल्स टू कॉट 40 - 2 थीटा, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। 90 - 4 थीटा इज इक्वल्स टू 40 - 2 थीटा, तो 40 इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 90 - 40, और 4 थीटा इधर आ जाके प्लस हो जाएगा 4 थीटा - 2 थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 50। थीटा से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 25 डिग्री, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो sec स्क्वायर 29 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 61 डिग्री। sec स्क्वायर 29 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? sec स्क्वायर 29 डिग्री की वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज इसको कैसे करेंगे? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोट 61 को मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर 29 डिग्री, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी? 2 का स्क्वायर। अब इनके वैल्यू कितनी होगी? इन दोनों की जगह मैं 1 रख सकता हूँ। आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी लगा दी मैंने इसमें। तो 1 + 3/4 + 4, अब एलसीएम ले लो 5 + 3/4, तो 23/4 एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर 2 आंसर है हमारा, 23/4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है? 12 sin थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। अब 12 sin थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा, ये हो जाएगा 5/12। 12 इसके नीचे आ जाएगा 5 के नीचे, और कॉस साइन के नीचे चला जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 5/12 इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया P/B। अब ये कहाँ पर काम करेगा? ये काम करेगा राइट एंगल ट्राइंगल में। परपेंडिकुलर कितना है? 5, बेस कितना है? 12, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 13, पाइथागोरस थ्योरम से। साइन थीटा क्या होता है? P/H। cos थीटा क्या होता है? B/H। cot थीटा क्या होता है? B/P।
तो पी अपॉन एच कितना होगा 5/13, डी अपॉन एच कितना होगा 12/13, और बी अपॉन पी 12/5, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 17/13 - 12/5, तो 85 - 156/65। माइनस में कोई आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब 156 में से 85 जाएंगे, 1 और 7 माइनस का 71/65, कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। पेन कर लेते हैं एक बार, ये आ गया पेन। तो साइन स्क्वायर 20 और इन दोनों का सम क्या हो रहा है 90, और इन दोनों का पेयर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा चेंज करने के बाद। इसको मैं कोच स्क्वायर 20 डिग्री लिख सकता हूँ चेंज करके, 90 माइनस थीटा करके। आप लोगों को पहले भी पढ़ा रखा है कैसे 90 माइनस थीटा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोच स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 - tan² 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस sec 60 की वैल्यू कितनी होगी? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू होगी 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो 106 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 sin θ = 4 cos θ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin θ / cos θ = 4/3, एक दूसरे के नीचे ले जाओ इनको। और ये कितना हो जाएगा? tan थीटा। मैं जानता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? sin θ / cos θ, तो 4/3। तो tan स्क्वायर थीटा हमें क्या पूछ रखा है? तो ये हो गया पी अपॉन बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितनी होगी 5। तो पी अपॉन बी का स्क्वायर पहले क्या दे रखा है? पी अपॉन बी का स्क्वायर प्लस साइन थीटा पी अपॉन एच माइनस कॉस थीटा पी अपॉन एच। तो पी अपॉन बी 4/3 का स्क्वायर प्लस पी अपॉन एच, पी अपॉन एच 4/5 माइनस बी अपॉन एच 3/5, तो 16/9 प्लस 4/5 माइनस 1/5, 16 और 9 दोनों का एलसीएम कितना जाएगा? 45। 9 के टेबल 45 का आता है 5 टाइम्स, 5 के 2 पर करो कितना जाएगा? 80। 5 के टेबल 45, 9 टाइम्स 9, 89/45। आंसर चेक करते हैं क्या सही है। अरे क्या बात, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है cosec 3θ = sec 20° प्लस 2θ। बहुत से सेम क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो मैं तो पूरी सीरीज करा रहा हूँ, मेरा फर्ज तो यह है कि एक एक क्वेश्चन को सोल्व करूँ, चाहे एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया जाए मेरी तरफ से। तो ये बार बार बहुत से क्वेश्चन ऐसे रिपीट होंगे एग्जाम में, CGL में आ गया, CHSL में रिपीट हो गया, CHSL में आ गया, MTS में रिपीट हो गया, इस तरीके से cosec 3θ। तो इसको चेंज करूंगा तो क्या जाएगा? sec 90 - 3θ = sec 20 + 2θ। अब sec चला जाएगा 90 - 3θ = 20 + 2θ, 3θ इधर जाके प्लस हो जाएगा 5θ, 20 इधर आके माइनस हो जाएगा 70, तो ये कितना आ जाएगा? θ = 14°। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी पीछे करके आ रहे हैं हम ये क्वेश्चन 100 से पहले वाले क्वेश्चन में था ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 108, साइन स्क्वायर 48°। अब दोनों साइन साइन में और दोनों का सम क्या है? 90, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 1। दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर दोनों का सेम है, साइन साइन है कोस कोस है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर उनके एंगल्स का सम 90 बैठ रहा है, टेन स्क्वायर 60° की वैल्यू √3 का स्क्वायर माइनस कोसेक 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी हो जाएगी 2।
तो 3 और 1 4 माइनस 2, तो आंसर क्या गया? 2। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी रेशियो में आ गया, तो रेशियो में क्या करेंगे? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, तो 4 × sin थीटा इज इक्वल्स टू 2, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व कर दो, 4 2 जाए 8 माइनस 3 5, 4 2 जाए 8 प्लस 3 11, 5 बाई 11। ये रहा ऑप्शन नंबर 4, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है? देखो साइन स्क्वायर 32 साइन स्क्वायर 58, दोनों का सम क्या है? 90 है, बिल्कुल है, और दोनों सेम रेशियो हैं, ये भी साइन है ये भी साइन और स्क्वायर भी है, तो इन दोनों की जगह क्या रख देंगे? 1। माइनस साइन 30 दे रखा है तो माइनस का 1/2, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का उल्टा होता है सेक, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू जाएगी 2, 2 का स्क्वायर, तो 1 − 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 1/2 + 4 कितना हो जाएगा? 4.5, मतलब 9/2, 4.5। 110 तक हो गए क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब ये देखो साइन स्क्वायर 24 डिग्री क्या कह रहा है? दोनों का सम क्या है? 90, दोनों साइन साइन है और स्क्वायर में भी है तो 1। इधर देखो दोनों कोस कोस है और दोनों का सम क्या है? 90, इसका भी क्या हो जाएगा? 1। प्लस साइन स्क्वायर 61 कोस 61 साइन 29। अब देखो ये साइन 61 है ना, तो इसे 61 बना लो, कोस 61, इसकी जगह मैं कोस 61 रख सकता हूँ। अब मैं कोस 61 की इस वाले कोस 61 में इंटू करूंगा तो क्या जाएगा? कोस स्क्वायर 61। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है? 1, दोनों का सम, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर आ गया हमारा 2। समझ गए ना भाई? ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, इसकी जगह 1 आ गया, और ये जो पोर्शन है इसकी जगह 1 आ गया, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, दोनों को ऐड करा तो क्या आ गया? 2, 1 और 1 2। अगला क्वेश्चन 3 cos² a + 7 sin² a = 4। तो a एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण कुछ भी हो सकता है, तो पहले क्या रखूंगा मैं? 30, तो 3 × 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, sin × 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9/4 और 7/4, तो कितना हो गया? 16/4, तो काटेंगे कितना आ जाएगा? 4। सेटिस्फाई हो गई वैल्यू, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 आ रहा है, सॉल्व करने के बाद बिल्कुल हो गई सेटिस्फाई वैल्यू। अब जब ये वैल्यू सेटिस्फाई हो चुकी है तो हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। कितने डिग्री है? 30। तो निकालना क्या है हमें? कॉट है, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। √3 हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 113, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो अगर मैं इसकी जगह 1 रख दू, इसकी जगह 1 रख दू, तो मेरा 2 आ जाएगा दोनों को प्लस करके, बिल्कुल आ जाएगा। तो cos थीटा में किसकी वैल्यू 1 होती है? cos 0 की वैल्यू। sec में sec 0 की वैल्यू भी 1 होगी, जब cos 0 की वैल्यू 1 है। तो इसी तरीके से cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 की पावर 117। sec 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 की पावर 117। तो 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आता है, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2। क्वेश्चन नंबर 114, साइन स्क्वायर, ये तो शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पीछे कराया हमने, आंसर 2 आ रहा था इसका, जस्ट अभी करा है। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3 cos थीटा, थीटा एक्यूट एंगल है, तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसको? साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू √3, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, इज इक्वल्स टू √3, टेन थीटा
मैं √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 60 डिग्री की, तो 10 से 10 कट जाएगा, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। जब थीटा 60 आ गया तो मैं यहाँ रख सकता हूँ 2 sin² थीटा, 2 sin² 60 डिग्री प्लस sec² 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और sec 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री, ऐसे दे रखा है। तो अब इनकी वैल्यू रख दो डायरेक्ट, 1/√3/2π² sec² cos 60 की वैल्यू 1/2, इसकी हो जाएगी 2 reciprocal 2π² sin 60 की वैल्यू √3/2, sec 60 की वैल्यू 2 प्लस cosec 60 की वैल्यू 2/√3, भाई sin 60 की √3/2 तो cosec 60 की 2/√3, 2 से 2 काट दो और 2 × 3/4 प्लस 2 × 2 = 4 प्लस √3 प्लस 2/√3, 2 × 2 = 3/2 प्लस 4 प्लस √3 प्लस 2/√3। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो √3 के ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 के नीचे मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करो, 2 8 जा 2 4 जा 8 और 11/2, √3 प्लस 2√3/3, एलसीएम क्या जाएगा 6 33 और 6√3 और 3 × 2 = 4√3, 33 प्लस 10√3/6, 3 11 जा ये कटेगा नहीं, 33 प्लस 10√3/6, ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, यही आंसर आ रहा है, कटने का नहीं आगे, इतना ही छोड़ देंगे, 33 प्लस 10√3/6। क्वेश्चन नंबर 16, 116 क्या कह रहा है, 116 sin की पावर 6 थीटा प्लस sin cos की पावर 6 थीटा -1 10² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 का मान निम्न में से कौन सा है, 45 रख दो, 1/√2 की पावर 6, 1/√2 की पावर 6 -1, 1 + 1 +2, 1/√2 की पावर 6 करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 2, 1/8 और ये भी 1/8 हो जाएगा इसकी जगह, -1 और ये आ गया 4, तो 1 - 8/8, 2 - 8/8, 1 + 1 = 2 और इसको सॉल्व करेंगे 1 नीचे लेट करके, 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, तो -6/2, -3, -3 है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 117 आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है, 2 sin a 1 + sin a 1 + sin a प्लस cos a, अब इसको सॉल्व करो, क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करके, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी तरह का हमने क्वेश्चन अभी पीछे भी किया था, उसमें कॉस था दूसरे थे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 + sin a -cos a से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 + sin a -cos a से ऊपर मल्टीप्लाई, दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, अब नीचे फॉर्मूला क्या बन गया, a² + -b², तो 1 + sin a का होल स्क्वायर -cos² है, सेम क्वेश्चन 2 sin a 1 + sin a, ऊपर ऐसे ही रहने देंगे छेड़ेंगे नहीं, 1 + sin a -cos a, अब नीचे 1 + sin² a प्लस 2 sin a -cos² a, 2 sin a
वन प्लस साइन है माइनस कोस है। अब इस वन की जगह क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, पुट करते हैं आ गया कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब मैं नीचे वाला पर सॉल्व करता हूँ, बस आप ऊपर वाला बार बार लिखना पड़ेगा। तो नीचे जाएगा टू साइन स्क्वायर और प्लस का टू साइन है, और दोनों में से कॉमन ले लेंगे टू साइन है, अंदर क्या बचेगा साइन है प्लस वन। तो भाई ये साइन है प्लस वन और टू साइन है से साइन है प्लस वन और टू साइन है कट जाएगा, बचेगा क्या वन प्लस साइन है माइनस कॉस है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वन, वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन टीयर टू में आया हुआ है, सीजीएल टीयर टू 2019 में। कॉस 9 डिग्री साइन 81 डिग्री दोनों की वैल्यू क्या है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखो इसको या तो इसको 81 बना लो या इसको 9 बना लो। तो मैं लिखता हूँ कॉस 9 डिग्री और साथ में ये केस में चेंज हो जाएगा कॉस 9 डिग्री में, ब्रैकेट में सेक 9 डिग्री, और ये भी इसमें चेंज हो जाएगा सेक 9 डिग्री में। 90 माइनस करके, 90 माइनस करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पहले मैं पढ़ा चुका हूँ ये चीजें, समझा चुका हूँ आप लोगों को, तो बार बार करने में टाइम वेस्ट होगा। तो आप समझ जाओ ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस 9 करेंगे और साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा। तो मैंने डायरेक्ट कोस 9 डिग्री लिख दिया, तो साइन 56 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या जाएगा वन अपॉन कोस 34 प्लस कोस 25 डिग्री अपॉन साइन 65। अब देखो इन दोनों का सम क्या हो रहा है 90, इन दोनों का सम क्या हो रहा है 90। तो अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूंगा तो यहाँ पे भी साइन आ जाएगा साइन 56, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे चेंज करने के बाद। तो आंसर क्या बचेगा नीचे वन प्लस वन अपॉन टू, और ऊपर क्या आंसर हो जाए टू कोस 9 डिग्री, और ऊपर क्या बचा इंटू सेक 9 डिग्री। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और कॉस के इंटू सेक में करेंगे तो कॉस 9 डिग्री इंटू वन अपॉन कॉस 9 डिग्री। भाई सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस से कॉट खिल जाएगा, आंसर आ गया कितना वन। तो वन है ऑप्शन में, वन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है टू, क्योंकि एक टू इसके साथ भी आएगा क्योंकि ये भी तो है वन, और वन कितना हो जाएगा टू, तो ये आ गया हमारा आंसर टू। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश कौन सा है। अब ये आ गया हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये वाला जिसमें सब पॉजिटिव होते हैं जीरो से लेके 90 तक, मतलब न्यून कोण है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2, टेन स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर थ्री थीटा पूछा है। तो थीटा में 45 रख के देखू तो 45 रखने पे तो जीरो आएगा, 30 रखो जो हमने 30 रखा तो ये वैल्यू आई 3/4 माइनस 1/4 2/4, आंसर क्या है 1/2। तो सेटिस्फाई होगी कंडीशन, ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो थीटा मुझे पता चल गया 30 डिग्री है। तो 30 के इंटू इसमें करूंगा 32 जो 60, तो टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी, ये हो जाएगा 60 और 90, ये हो जाएगा 90, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी रूट 3 का स्क्वायर, और 90 की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ का आंसर 4 लिख लेना, ऑप्शन नहीं लगा रखे, आंसर 4 ही है वैसे।
क्वेश्चन नंबर 120 डिग्री, 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है? देखो, कोसेक 65 प्लस थीटा, सेक 25 माइनस थीटा, प्लस 10 स्क्वायर 20 डिग्री, माइनस कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर 20 डिग्री, और 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 होगी? नहीं होगी भाई, कोसेक 65 प्लस थीटा दे रखा है, और मैं सेक को क्या लिख दूं? कोसेक 90 माइनस 25 प्लस थीटा, भाई 90 में चेंज कर दिया मैंने कोसेक को, सेक को, प्लस 10 स्क्वायर 20 डिग्री, माइनस कोसेक को किस में लिख दिया मैंने? सेक स्क्वायर 20 डिग्री में। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है sec square theta minus tan square theta is equals to 1, लेकिन ये तो उल्टा है, तो जब ये रेसिप्रोकल है तो -1 आएगा उल्टा करने के बाद। अब cosec 65 plus theta, और यहाँ माइनस का cosec 65 plus theta है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे पूरे के पूरे, तो आंसर क्या बचेगा हमारा? -1 बचेगा। तो -1 कौन सा ऑप्शन है? -1 ऑप्शन है 4, समझे? इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको आगे। कोसेक 65 प्लस थीटा बचेगा, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कट गए। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 121 बोलो। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 121, तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे दे रखा है, तो क्या कर सकते हैं? ऊपर होल स्क्वायर खोल सकते हैं, तो खोल के देखते हैं क्या होता है। बेसिक मेथड से करते हैं पहले इसको, या थीटा 45 रख के भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है, हमारा फॉर्मूला होता है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? इसको काट के कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल, इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 प्लस ये इन दोनों को जोड़ के 1 आ जाएगा, और एक 1 ये वाला, तो 1 और 1 कितना हो जाएंगे? 2, 2 प्लस कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखूं मैं? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेना चाहें तो। और यहां बचेगा कितना? वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा से स्क्वायर कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा? sec स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा, भाई 1 अपॉन cos को क्या लिखेंगे हम? sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा, sec कॉमन ले लो, 2 sec थीटा, और अंदर क्या बचा? sec थीटा प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है? 2 sec थीटा, sec थीटा प्लस 1, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। देखो, ये वाला क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? टीयर 2 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या? तो इसको सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो साइन कॉस में ब्रेक करो, तो साइन कॉस में जब ब्रेक करूंगा मैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर 45 रख दो, किसकी 45 में वैल्यू 1 होती है? नहीं आ रहा, होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का भी होल स्क्वायर प्लस 1,
अब इसको रखते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल प्लस वन इनका होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसको इससे काट दूं तो मुझे एक माइनस लेना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि इनका साइन अलग अलग है। ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस को बाहर कॉमन लेके इसके साथ लिखे मैंने, और साइन थीटा जो सबसे नीचे वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन, तो वन माइनस टेन थीटा। इससे बात बन नहीं रही, मगर और क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा ये स्क्वायर भी तो है, इसके साथ भी स्क्वायर आएगा, इसके साथ भी स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर भी तो है, तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, और स्क्वायर करेंगे माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये और थी गड़बड़, और सेक स्क्वायर थीटा कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर है, समझ गए ना। देखो ये माइनस का कॉस थीटा आया था, साइन थीटा ऊपर गया, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बन गया ये, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 123। 123 क्या कह रहा है, रूट कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको भी साइन कॉस में ब्रेक कर लो, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या रहा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, वन माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, तो भाई साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, अंदर बचा क्या, रूट वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा। अब इसको रेशनलाइज कर लो, वन प्लस साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई, वन प्लस साइन थीटा के नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो भाई रूट के अंदर है, इस रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आंसर आएगा वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इसके साथ अलग होगा, तो ये आंसर आ जाएगा सेक थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कहाँ पर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पहला ही ऑप्शन है हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये हो गई स्लाइड खत्म हमारी। क्वेश्चन नंबर 123 हो गई शायद, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में अपनी।